कांग्रेस आज से 15 नवंबर तक देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आर्थिक नीति, यूपी का बिजली घोटाला समेत बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के जरिए किया जाएगा। तो ये प्रदर्शन सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के जरिए किया जाना है। वहीं इससे पहले कांग्रेस अक्टूबर में रैली करने वाली थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और उपचुनावों को देखते हुए प्रदर्शन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। और अब आर्थिक नीति, बेरोजगारी और यूपी में जिस तरह से मामले इकाई करके सामने आए हैं, उन तमाम मसलों को लेकर मोदी सरकार को घेरने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। 5 से लेकर 15 नवंबर तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। तो देश के तमाम राज्य में कहा जा रहा है, जो जिला मुख्यालय है वहां पर खासा नजर आएगा कि किस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए, केंद्र की सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।